हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। यू आर मोस्ट वेलकम टू 11th क्लास केमिस्ट्री इंग्लिश मीडियम एनसीईआरटी सीबीएसई। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 11th क्लास के लिए बेसिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर स्टडी कर रहे हैं और बेसिक केमिस्ट्री में आप लोगों को ये एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी होता है कि स्टूडेंट्स मॉलिक्यूल्स कंपाउंड्स का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अब तक जो पढ़ाई की है उस पढ़ाई में आपने कई बार केमिकल बॉन्ड का नेम सुना होगा। तो एक केमिकल बॉन्ड क्या होते हैं? केमिकल जो बॉन्ड होते हैं स्टूडेंट्स, ये केमिकल बॉन्ड कहाँ पर हमें यूज़ करने होते हैं, कहाँ पर ये फॉर्म होते हैं, किस प्रकार से फॉर्म होते हैं और कितने टाइप के केमिकल बॉन्ड हो सकते हैं। तो आज आपको केमिकल बॉन्ड्स के बारे में इस वीडियो के अंदर बेसिक नॉलेज दी जाएगी, ठीक है ना। वैसे केमिकल बॉन्डिंग का आपके सिलेबस में एक चैप्टर है कंप्लीट, उसमें आप बहुत ही डिस्क्रिप्ट तरीके से उनको आप पढ़ोगे, लेकिन उससे पहले आपको ये जानना ज़रूरी होता है कि जो केमिकल बॉन्डिंग होती है वो किस प्रकार से होती है, वो किस किस टाइप से हो सकती है। तो स्टार्ट करते हैं केमिकल बॉन्ड, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लालच मत दिखाओ, इसको थंब दबाओ और लाइक करो, ठीक है ना, और कमेंट्स करके भी हमें बताओ आपको कैसा लगता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखो, केमिकल बॉन्ड को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, बताइए एटम फ्री स्टेट में रह सकता है? एटम फ्री स्टेट में रह सकता है क्या? नहीं रह सकता ना। एटम अगर फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं है तो इसकी स्टेबिलिटी कैसे होती है? एटम की स्टेबिलिटी किस फॉर्म में होती है? तो देखो, कोई भी जो एटम होता है वो अपनी स्टेबिलिटी को कंफर्म करने के लिए या तो वो आयन फॉर्म में आता है या मॉलिक्यूल फॉर्म में आता है, या तो वो मॉलिक्यूल फॉर्मेशन करता है या फिर वो आयंस फॉर्म करता है। आयंस जब वो बना लेता है तब भी वो मॉलिक्यूल से फॉर्म करता है, ठीक है ना। तो एटम को एग्जिस्ट अगर होना है तो उसे मॉलिक्यूल कंडीशन में आना पड़ेगा, और जब कोई भी एटम मॉलिक्यूल कंडीशन में आता है स्टूडेंट्स, तो उसमें टू एटम्स, किसी भी एलिमेंट के टू एटम्स आपस में अटैच्ड होंगे, और टू एटम्स जब अटैच्ड होंगे तो एक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा। तो स्टूडेंट्स, जब दो टू एटम आपस में अटैच्ड हो रहे हैं तो वो कैसे अटैच हो रहे हैं, यही तो हमें जानना है इस जगह पर। टू वेन टू एटम्स आर अटैच्ड विद ईच अदर एंड फॉर्म ए मॉलिक्यूल, देन वाट हैपन बिटवीन बोथ एटम्स, इन एटम्स के बिटवीन क्या हुआ, किस तरह से ये अटैच हुए, किसके कारण अटैच हुए, और जहाँ पर ये अटैच हुए वो क्या चीज़ होती है स्टूडेंट्स, वही होती है केमिकल बॉन्डिंग, उसी को बोलते हैं हम केमिकल बॉन्ड, क्लियर है ना। तो देखो, मैं स्टेप में एक एक लाइन यहाँ पर नोट कर रहा हूँ जिससे आपका ध्यान बना रहे और आप इसको भूले नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लिख रहा हूँ, एटम कैन नॉट बी एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। बिल्कुल बेसिक से ध्यान करा, बिल्कुल आप स्टेप बाय स्टेप ध्यान करो, जब एटम एग्जिस्ट नहीं हो सकता फ्री स्टेट में तो ये कैसे एग्जिस्ट होगा, ठीक है ना। तो दूसरी लाइन में मैं यहां पर नोट कर रहा हूं, फॉर स्टेबिलिटी एटम्स फॉर्म मॉलिक्यूल्स। एटम्स जो होते हैं वो किसका फॉर्मेशन करते हैं, मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं, और जब एटम्स मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं स्टूडेंट्स, तो क्या होता है, दो एटम आपस में अटैच होते हैं कि नहीं होते हैं, होते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल जो मैं अभी बोल रहा था वही चीज़ मैं आपको नोट कर रहा हूँ जिससे आपके ध्यान में रहे, वेन मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म, वेन, चलो यूं लिख देता हूं मैं, वेन टू एटम्स अटैच्ड विद ईच अदर, देन फॉर्म्ड मॉलिक्यूल,
जब दो एटम एक दूसरे के साथ अटैच होंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। अब जब ये स्टूडेंट्स अटैच हुए हैं मॉलिक्यूल्स आपस में, ये जो एटम से अटैच हुए हैं आपस में, तो ये किसके द्वारा अटैच हुए हैं, यही तो चीज़ देखनी है हमको। दीज एटम्स अटैच्ड बाई ए केमिकल बॉन्ड, दीज एटम्स अटैच्ड बाई ए केमिकल बॉन्ड, ये जो एटम है एक दूसरे के साथ किससे अटैच हुए हैं, केमिकल बॉन्ड से। देखो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे ये क्लोरीन का एक एटम हो गया, ठीक है ना, और ये दूसरा क्लोरीन का एटम हो गया। ये दोनों क्लोरीन के एटम स्टूडेंट्स ये फ्री स्टेट में रह सकते हैं क्या, नहीं रह सकते। ये फ्री स्टेट में नहीं रह सकते तो स्टूडेंट्स इनको अपनी स्टेबिलिटी तो शो करनी है। ये कैसे स्टेबल रहेंगे, ये दोनों क्लोरीन एटम अपनी स्टेबिलिटी को शो करने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे। ये क्या हो गए, एक दूसरे के साथ अटैच हो गए, और यहाँ पर जो ये अटैच हुए हैं ये अटैचमेंट है इनका, अटैच हुए हैं। तो अटैच होने के साथ साथ स्टूडेंट्स ये किससे अटैच हो रहे हैं, ये जो डैश आपको दिख रहा है सिंगल लाइन, इसको ही बोलता हूँ मैं क्या, केमिकल बॉन्ड। एक केमिकल बॉन्ड से अटैच हुए हैं और यहाँ पर ये क्या बना लेंगे, Cl2 मोलिक्यूल। और अब इस जगह पर ये क्लोरीन एग्जिस्ट है, क्लोरीन आपको इस फॉर्म में एग्जिस्ट होगा। अब देखो बिल्कुल और सिंपल सा एग्जांपल लें, ऑक्सीजन का एक एटम और ऑक्सीजन का ये दूसरा एटम, दोनों ऑक्सीजन के जो एटम हैं एक दूसरे के साथ अटैच हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। क्या ये एटम आपको विजिबल हैं, नहीं हैं, एग्जिस्ट हैं, नहीं हैं, फ्री स्टेट में रह सकते हैं, नहीं रह सकते। तो ये दोनों के दोनों जो एटम हैं ये एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे एक केमिकल बॉन्ड से, और अटैच होने के बाद ये किसका फॉर्मेशन करेंगे, O2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर देंगे। अगर यहाँ पर O2 मॉलिक्यूल फॉर्म हो गया तो ऑक्सीजन आपको एग्जिस्ट होगी, इसकी स्टेबिलिटी होगी। तो स्टूडेंट्स देखो ये वाली जो डैश लगा रखा हूँ इसको ही मैं क्या बोल रहा हूँ, केमिकल बॉन्ड। जब टू एटम्स एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं तो उस जगह पर क्या फॉर्म होता है, एक केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है। तो ये आपकी समझ आना चाहिए कि किस तरह से जो एटम होता है वो अपने एग्जिस्टेंस को शो करता है, और एग्जिस्टेंस को जब शो कर रहा है तो वो किसका फॉर्मेशन कर रहा है, मॉलिक्यूल्स का। और मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है तो टू एटम्स एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, और जुड़ते हैं तो वो किस चीज़ से, केमिकल बॉन्ड से जुड़ते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है ये केमिकल बॉन्ड हो सकता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं एक चीज़ और आपको ध्यान दिला देता हूँ कि ये सेम एटम्स ही अटैच नहीं होते, डिफरेंट एटम भी एक दूसरे के साथ केमिकल बॉन्डिंग करके अटैच हो सकते हैं, ठीक है ना, डिफरेंट एटम, ठीक है ना, अलग अलग एटम भी एक दूसरे के साथ केमिकल बॉन्ड से अटैच हो सकते हैं, और सेम टाइप के एलिमेंट्स भी, एटम्स भी अटैच हो सकते हैं। तो अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स, ये तो हो गई केमिकल बॉन्डिंग की बात, जो केमिकल बॉन्ड होते हैं वो कितने टाइप के हो सकते हैं, ठीक है ना। तो टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग को चेक करते हैं, तो देखो चेक करते हैं हम टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। तो देखो बच्चों मैं यहाँ पे एक फिगर बना रहा हूँ जिसमें सभी केमिकल बॉन्ड्स को शो करते हैं, केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड्स को मेनली टू स्टेप्स में क्लासिफाइड किया गया है, कितने स्टेप्स में क्लासिफाइड किया गया है, टू स्टेप में। अब देखो टू स्टेप्स कौन से हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड यानी कि स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड और वीक केमिकल बॉन्ड, ठीक है।
केमिकल बॉन्ड को कितने स्टेप्स में क्लासिफाइड किया गया? 2 स्टेप में। स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड फॉर्म होते हैं एक तो, और एक वीक केमिकल बॉन्ड फॉर्म होते हैं। स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड ऐसे होते हैं जो इजी वे में ब्रेक नहीं होते, और वीक केमिकल बॉन्ड ऐसे होते हैं जो इजी वे में ब्रेक हो जाते हैं। यानी कि मॉलिक्यूल्स आपका ब्रेक हो सकता है, वो तो वीक बॉन्ड से बना होगा, और जो मॉलिक्यूल आपका इजी वे में ब्रेक नहीं हो रहा है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से फॉर्म होगा, ठीक है ना। अब देखते हैं हम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स कौन कौन से हैं, कितने टाइप के हैं। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स को हम चेक करते हैं। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स को स्टूडेंट्स 4 स्टेप्स में, यानी कि 4 पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है। अब 4 पार्ट में जो क्लासिफाइड किया गया है वो कौन कौन से हो सकते हैं, देखो। फर्स्ट है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड स्टूडेंट्स आयोनिक बॉन्ड। पहला बॉन्ड कौन सा है? आयोनिक बॉन्ड। दूसरा है कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है ना। और तीसरा है स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और फोर्थ है मेटालिक बॉन्ड। ये 4 टाइप्स के जो बॉन्ड हैं, ये सब के सब बॉन्ड कैसे हैं? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए और ध्यान रखने वाली चीज है कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन से हो सकते हैं, जिनसे जब मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, कंपाउंड्स का फॉर्मेशन जब हो जाता है तो उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। भाई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड वाले होंगे तो स्टेबिलिटी ज़्यादा ही होगी, ठीक है ना। वो लॉन्ग टर्म्स तक नेचर के अंदर एग्जिस्ट होंगे। तो उन बॉन्ड्स को आप यहाँ पर चेक कर रहे हो, आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और मेटालिक बॉन्ड। ये 4 टाइप के जो बॉन्ड बनेंगे ये सब के सब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होंगे, ठीक है ना। आप देखो चेक करते हैं वीक बॉन्ड कौन से हो सकते हैं। वीक बॉन्ड्स को हम 2 स्टेप्स में क्लासिफाइड करते हैं। एक तो है स्टूडेंट्स वांडरवाल बॉन्ड, और दूसरा है हाइड्रोजन बॉन्ड। वीक बॉन्ड कौन कौन से हैं? वांडरवाल बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड। वांडरवाल एक साइंटिस्ट का नेम है और इस साइंटिस्ट ने इन बॉन्ड्स को डिस्कवर किया था, इसलिए उसके नेम पर ही इसको बोला जाता है वांडरवाल बॉन्ड, ठीक है ना। दोनों बॉन्ड बड़े वीक होते हैं, ठीक है। और ये थोड़ा सा ही आप प्रेशर डालोगे या फिर थोड़ा सा आप एनर्जी दोगे तभी ब्रेक हो जाते हैं। ये बॉन्ड थोड़ी सी एनर्जी पर ब्रेक नहीं होते। इनको अगर बॉन्ड को ब्रेक करना है तो इन आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी को एक्सपेंस करना पड़ेगा, और इनके लिए आपको लेस अमाउंट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। अब देखो भाई साहब, आप लोगों को ये तो पता लग गया कि केमिकल जो बॉन्ड होते हैं उनको 2 स्टेप्स में क्लासिफाइड किया, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड वीक बॉन्ड। और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं, आयोनिक, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट, मेटालिक। और वीक बॉन्ड जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, वांडरवाल और हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम चेक करते हैं कि आयोनिक बॉन्ड, ये बॉन्ड बनते कैसे हैं, ठीक है ना। प्रत्येक एवरी बॉन्ड को यहाँ पर चेक करते हैं हम स्टूडेंट्स। तो देखो सबसे पहले बात करें हम किसकी, आयोनिक बॉन्ड की। यहीं पर चेक कर लेना, बिल्कुल बेसिक नॉलेज आपको बता रहा हूँ और छोटी छोटी सी टुकड़ों में बता रहा हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं आपको एक्सप्लेन करेंगे, सिर्फ आपको वो चीज़ बता रहा हूँ जो आपको कन्फर्मली ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। इनके बारे में बहुत ब्रॉड या डिस्क्रिप्शन टाइप से जो स्टडी होगी वो चैप्टर के अंदर ही होगी। तो देखो बच्चों, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो फॉर्म होता है वो, सॉरी, आयनिक जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो कहाँ होगा? आयनिक बॉन्ड फॉर्म होगा आयंस के बिटवीन, ठीक है ना। और आयंस कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव एंड
नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बिटवीन क्या फॉर्म बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा, आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होगा। अब देखो ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो आयन होते हैं ये दोनों अपोजिट आयन हैं, दोनों कैसे हैं अपोजिट आयन, और दोनों यार अपोजिट या आयन हैं तो इनके बिटवीन क्या होगा, एट्रैक्शन होगा, एट्रैक्शन होगा, तो इनके बिटवीन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक एट्रैक्शन फोर्स प्रेजेंट होता है। दोनों आयन्स के बिटवीन जब दोनों आयन्स एक दूसरे के नज़दीक आएंगे नेगेटिव और पॉजिटिव तो एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे, और अटैच होने के बाद यहाँ पर एक बॉन्ड फॉर्म होगा उसको बोलेंगे हम आयनिक बॉन्ड, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक एट्रैक्शन फोर्स दोनों आयन्स के बिटवीन रेज्ड होता है और ये मजबूती के साथ दोनों आयन्स एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं, ठीक है ना। तो आयनिक बॉन्ड में क्या होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव जो आयन्स होते हैं उनके बिटवीन एट्रैक्शन होता है और एट्रैक्शन से ये बॉन्ड फॉर्म होते हैं। जैसे देखो एग्जांपल दूं मैं आपको, जैसे सोडियम, सोडियम पर अगर मैं पॉजिटिव चार्ज लगा तो ये सोडियम आयन बन गया, और इधर मैं क्लोरीन ले लूँ, क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज लगा दे तो ये क्या बन गया, एनायन बन गया, ये तो कैटायन हो गया, ये एनायन हो गया। कैटायन और एनायन के बिटवीन स्टूडेंट्स यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक एट्रैक्शन फोर्स लगेगा, और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लगेगा जिसके कारण यहाँ पर एक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, और ये जो बॉन्ड फॉर्म हुआ है इसी को क्या बोल रहे हैं हम, आयोनिक बॉन्ड। समझ आ रही है बात, आयोनिक बॉन्ड किसके बिटवीन फॉर्म हुआ है, आयन्स के बिटवीन। आयन्स कौन कौन से होते हैं, नेगेटिव आयन पॉजिटिव आयन, ठीक है ना। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों अपोजिट आयन हैं, दोनों अपोजिट आयन के बिटवीन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक एट्रैक्शन फोर्स लगता है जिससे दोनों आयन्स एक दूसरे के साथ अटैच्ड हो जाते हैं, स्ट्रॉन्गली अटैच्ड हो जाते हैं, तो वहाँ पर जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसको क्या बोलोगे, आयोनिक बॉन्ड, यानी कि आयन्स के बिटवीन बनाए तो आयोनिक बॉन्ड बोलेंगे, ठीक है ना। अब देखो हम चेक करते हैं किसको, कोवेलेंट बॉन्ड को, कोवेलेंट बॉन्ड को चेक करते हैं। स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान दीजिए मेरी बात पर, एक एटम होता है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ कोवेलेंट बॉन्ड की, ठीक है ना। एटम का जो न्यूक्लियस होता है, मैं एक वीडियो बना चुका हूँ स्ट्रक्चर ऑफ एटम पर, उसको आप चेक कर सकते हो। एटम जो होता है उसके सेंट्रल पार्ट में एक न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अराउंड क्या होती हैं, सेल्स होती हैं। न्यूक्लियस के अराउंड क्या होते हैं स्टूडेंट्स, सेल्स होती हैं, और इन सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होती हैं, सब सेल्स, और सब सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, ऑर्बिट्स, और ऑर्बिट्स के अंदर कौन प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन। ध्यान से सुन रहे हो ना मेरी बात को, एटम जो है, एटम का जो सेंट्रल पार्ट है जिसको न्यूक्लियस आपने बोला है, उस न्यूक्लियस के अराउंड जो सर्कुलर पाथ हैं उनको क्या बोला हमने, सेल। सेल को डिवाइड किया कि सेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं सब सेल, प्रेजेंट होती कि नहीं होती है सब सेल, सेल तो के एल एम एन, सब सेल एस पी डी एफ, ठीक है ना, सॉरी सब सेल इसके अंदर प्रेजेंट होती है, और सब सेल के अंदर प्रेजेंट होते कौन कौन से, ऑर्बिट, क्या कौन से, एस पी डी एफ जो ऑर्बिट है वो कहां पर प्रेजेंट होते हैं, सब सेल के अंदर, ऑर्बिट्स, और ऑर्बिट्स के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो हम डायरेक्टली अब तक ये पढ़ रहे थे कि एटम के अराउंड जो सेल हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाँ ये बात सही है, उस सेल के अंदर ही इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सेल के अंदर सब सेल है और सब सेल के अंदर ऑर्बिट, और ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन सीधे डायरेक्ट किसके अंदर है, सेल के अंदर, ये बात सही है, गलत नहीं है ये। लेकिन अब आप 11th में हो चुके हो तो थोड़ा सा नॉलेज को बड़ा कीजिए, नॉलेज को बड़ा करेंगे तो आप लोगों को ये चीज़ स्टेप्स ध्यान में रखने चाहिए, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट्स किसी भी एटम के अंदर। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं तो क्या होता है, देखो ये किसी एटम का न्यूक्लियस, ये उसके सेल, और ये आउटर मोस्ट सेल आ गया, और इस आउटर मोस्ट सेल के अंदर जो सब सेल है उसके अंदर ये ऑर्बिट प्रेजेंट होते हैं इस तरह से, और इन ऑर्बिट्स के अंदर होते हैं कौन, इलेक्ट्रॉन।
ठीक इसी तरह से यहाँ पर कोई दूसरा एटम है, उस एटम के ये सेल हैं और इस सेल के अंदर भी सब सेल में ये ऑर्बिट्स प्रेजेंट हैं और इस ऑर्बिट्स के अंदर ये रहा इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रही बात? सेल, सेल के अंदर सब सेल, सब सेल के अंदर ऑर्बिट, ऑर्बिट के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि दोनों एटम्स के जो ऑर्बिट हैं ये एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, अटैच होते हैं, एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं या ऐड होते हैं। दोनों ऑर्बिट ऐड जब होंगे तो देखो किस तरह से कंडीशन आएगी, इस तरह से, और यहां पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है ना, शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन की, इसके हिस्से में भी आ गए और इसके हिस्से में भी आ गए, दोनों इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी स्टूडेंट्स दोनों एटम्स के बिटवीन। अब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो चुकी है एटम्स के बिटवीन, तो इस इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से यहां पर एक बॉन्ड फॉर्म हो रहा है ऑर्बिट्स में, इलेक्ट्रॉनिक शेयरिंग से यहां पर एक बॉन्ड फॉर्म हो रहा है और उस बॉन्ड को इस तरह से डिनोट करेंगे इस डैश से, और इसको ही बोलेंगे स्टूडेंट्स क्या, कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोलेंगे बच्चों इसको, कोवेलेंट बॉन्ड। तो देखो कोवेलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म हुआ, टू एटम्स के जो ऑर्बिट हैं, टू एटम्स के क्या होंगे, ऑर्बिट्स होंगे, और उन ऑर्बिट्स की क्या होगी, शेयरिंग होगी, ऑर्बिट्स, ऑर्बिट्स क्या होंगे, ऐड होंगे, ऐड विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ ऐड होंगे, और ऐड होने के बाद क्या होगी, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होगी, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होगी, ठीक है ना, और इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड, और इसको आप डिनोट करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड को इस तरह से। समझ में आ गई बात? अब मान लो ये क्लोरीन है एक और ये भी क्लोरीन है एक, और दोनों क्लोरीन्स के जो ऑर्बिट्स हैं वो एक दूसरे के साथ ये क्या हो गए, ऐड हो गए, ऐड होने के साथ साथ ही इनके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शेयर हो गए, शेयर का मतलब दोनों के साथ आ गए, और शेयरिंग के बाद जो बॉन्ड फॉर्म हुआ है उसको क्या बोल रहे हैं हम, कोवेलेंट बॉन्ड। यानी कि मूल रूप से मेनली आपको ध्यान में रखना है कि कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, जो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ऑर्बिट्स के अंदर, ठीक है ना। तो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन किससे हो गया, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से, ठीक है ना। अब चेक करते हैं स्टूडेंट्स किसको, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को, इसको मैं अरेंज कर रहा हूं, ठीक है ना, अरेंज कर देता हूं। अब देखो हम डिस्कस कर रहे हैं किस पर, कोऑर्डिनेट बॉन्ड पर, कोऑर्डिनेट बॉन्ड पर। अब देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होता है स्टूडेंट ये भी इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से होता है। इसके अंदर क्या होता है, देखो ये न्यूक्लियस, ये सेल, सेल के अंदर ये सब सेल में प्रेजेंट ऑर्बिट है, ठीक है ना, और ये कोई दूसरा एटम, इसके ये सेल और इसके अंदर भी ये ऑर्बिट प्रेजेंट है। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है स्टूडेंट्स कि ये जो वन एटम है और ये अदर एटम, दूसरा एटम हो गया, ये जो पहला एटम है स्टूडेंट्स, इस पहले एटम की जो ऑर्बिट हैं, इस ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिट्स हैव टू इलेक्ट्रॉन। बड़े ध्यान से देखना मेरी बात को, पहले एटम के ऑर्बिट में तो दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, और दूसरे जो एटम है उसके जो ऑर्बिट्स हैं, ऑर्बिट्स हैज नो इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता, यानी कि ये ऑर्बिट कैसा है, वैकेंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ये, इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता। अब क्या होता है स्टूडेंट्स के दोनों के जो ऑर्बिट्स हैं एक दूसरे के साथ क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। मैं देखो फिगर बड़ा ले रहा हूँ, इसके ये दोनों इलेक्ट्रॉन हो गए ना, फर्स्ट एटम के इसके, और ये दूसरे का ऑर्बिट आ गया, दोनों ऑर्बिट एक दूसरे के साथ ऐड हो गए। लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन दिए हैं वो एक ही एटम ने तो दिए हैं, किसने दिए, एक ही एटम ने दिए हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो बॉन्ड फॉर्म होगा, ये जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है इसको ही हम बोल रहे हैं क्या, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसको क्या बोल रहे हैं आप, कोऑर्डिनेट बॉन्ड।
और देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को आप लोग डिनोट करोगे एरो साइन से, किससे करोगे एरो साइन से। और आपको इस एरो में भी क्या ध्यान रखना है कि जो एटम इलेक्ट्रॉन देने वाला है, इलेक्ट्रॉन जिस एटम के ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे इस एटम के ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है किसके साथ, इसके साथ। तो आपको यहाँ पर इस एरो से ये बताना है कि ये इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है इसके साथ, यानी कि एरो का जो ये टेल वाला पार्ट है, टेल पार्ट तो रहेगा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले एटम के लिए, एटम की साइड में, और जो हेड वाला पार्ट है ये किस साइड चला जाएगा, जिसके ऑर्बिट बैक एंड है, जिससे अब पता लगे हमको कि इस एटम ने इसको इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या करेंगे, एक ही एटम का जो ऑर्बिट है उस ऑर्बिट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे एटम के ऑर्बिट के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन शेयरिंग एक ही एटम कर रहा है अपने ऑर्बिट से, दूसरा एटम कोई शेयरिंग नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो उस टाइम उस तरह उस जगह पर जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो क्या होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। इसके बाद कौन सा बॉन्ड आएगा स्टूडेंट्स, मेटालिक बॉन्ड। कौन सा है, मेटालिक बॉन्ड की वो डिस्कस करते हैं। मेटालिक बॉन्ड कैसा होता है, देखो स्टूडेंट्स मेटालिक बॉन्ड में क्या मानते हैं हम कि जो मेटल्स होती हैं, मेटल्स के ऊपर कौन सा चार्ज होता है बताओ, पॉजिटिव चार्ज होता है ना। अब मेटल्स के जो पॉजिटिव चार्ज हैं, ऐसा मानते हैं ये पॉजिटिव चार्ज कोई भी मेटालिक क्रिस्टल है उसके अंदर क्या हो, जब मेटालिक बॉन्ड बनते हैं तो किस तरह से बनते हैं, वो चीज़ आप ध्यान पर ध्यान से देखो। ये मेटल के जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं ये प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन सी के बिटवीन, यानी कि इलेक्ट्रॉन का एक समुंदर होता है इलेक्ट्रॉन सी, मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन का एक समुंदर होता है और उस इलेक्ट्रॉन के समुंदर के बिटवीन या इलेक्ट्रॉन सी के बिटवीन पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन और इस पॉजिटिव चार्ज के बिटवीन जो बॉन्डिंग हो रही है वही क्या है, मेटालिक बॉन्ड। वही क्या है स्टूडेंट्स, मेटालिक बॉन्ड। यानी कि मेटालिक बॉन्ड के अंदर मेटालिक जो बॉन्ड बनता है वो किसके किस किस के बिटवीन बनता है, इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज किसके साथ है, किसके पास है, मेटल्स के पास। इन दोनों के बिटवीन जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है उसको क्या बोलोगे आप, मेटालिक बॉन्ड, ठीक है ना। बिल्कुल सिंपल सी और छोटी छोटी जानकारी आपको दे रहा हूँ मैं यहाँ पर, बहुत ज़्यादा विस्तृत रूप में नहीं जा रहा, सिर्फ सिंपल सी बेसिक नॉलेज आपको दे रहे हैं, इसलिए छोटे से रूप में आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो आप लोग को ध्यान में रखना है मेटल्स के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है और वो पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रॉन सी में डिप्ड होता है, और इलेक्ट्रॉन सी में जब वो डिप्ड होता है तो पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स के बिटवीन जो बॉन्डिंग हो रही है उसी बॉन्डिंग को बोल रहे हैं हम मेटालिक बॉन्ड, ठीक है ना। तो ये हो गए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फोर्थ। अब बात करें वीक बॉन्ड की। अब किसको डिस्कस करें बच्चों, वीक बॉन्ड्स को। अब देखो वीक बॉन्ड्स जो हैं वो कितने थे, 2 थे, ठीक है ना। पहला कौन सा था, वांडरवाल, वांडरवाल बॉन्ड, ठीक है ना। वांडरवाल बॉन्ड जो होता है स्टूडेंट्स ये मॉलिक्यूल्स के बिटवीन प्रेजेंट होता है। अब तक जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड थे वो तो एटम्स के बिटवीन प्रेजेंट थे, आयंस के बिटवीन प्रेजेंट थे, ठीक है ना। लेकिन वांडरवाल बॉन्ड जो होता है वो किसके बिटवीन प्रेजेंट होता है, मॉलिक्यूल्स के बिटवीन प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। तो मैं यहां पर नोट कर रहा हूं, दीज बॉन्ड्स आर प्रेजेंट बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, दो मॉलिक्यूल्स के बिटवीन ये वांडरवाल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अब देखो मॉलिक्यूल्स कोई से भी हो सकते हैं, जैसे ये HCl मॉलिक्यूल है एक, ठीक है ना, इसके बिटवीन HCl मॉलिक्यूल्स के बिटवीन ये जो बॉन्डिंग हो रही है डॉट लाइन में जो आपको दिख रहा है ये बॉन्ड है, इसको क्या बोलोगे आप, वांडरवाल बॉन्ड। इसलिए Cl2 मॉलिक्यूल है, दूसरा ये Cl2 मॉलिक्यूल है, इन दोनों के बिटवीन जो बॉन्डिंग हो रही है वो कौन सी है, वांडरवाल बॉन्ड।
अब आप ये सोच रहे होंगे सर मॉलिक्यूल्स के अंदर कैसे प्रेजेंट हो गया। भाई आप मेरे को एक चीज़ बताइए, आपने HCl एसिड लिया और HCl एसिड को आपने किसी कंटेनर के अंदर फिल कर दिया, यहाँ पर HCl एसिड फिल है, क्लियर है, HCl एसिड फिल है ठीक ना है, और इस HCl एसिड के अंदर कितने सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, ये लिक्विड स्टेट में होता है भाई, लिक्विड स्टेट में यहाँ पर फिल है और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इसके अंदर प्रेजेंट है, तो ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ स्टेबल तो रहेंगे, और एक दूसरे के साथ स्टेबल रहेंगे तो इस तरह की बॉन्डिंग होती है HCl एसिड्स के बिटवीन, जिसको बोलते हैं वैन डेर वाल बॉन्ड, और थोड़ा सा ही फोर्स लगाएंगे आप तो आराम से ब्रेक हो जाएंगे, यानी कि HCl एसिड को आप जैसे ही दूसरे कंटेनर में आप इसको खलाना चाहेंगे या डालना चाहेंगे तो आराम से उधर से निकल कर इधर आ जाएगा, ऐसा तो नहीं है कि वो चिपक के बैठ जाए उससे, ऐसा तो नहीं होता ना, तो ये वीक होता है, तो मॉलिक्यूल्स के बिटवीन जो बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट्स वो कौन से होते हैं, वैन डेर वाल बॉन्ड, और देखो दूसरा जो बॉन्ड है वीक वो कौन सा था, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड भी किसके बिटवीन प्रेजेंट होता है, मॉलिक्यूल्स के बिटवीन प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। तो देखो हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे मॉलिक्यूल्स के बिटवीन प्रेजेंट होता है ये आपको फिक्स बता देता हूं मैं, हाइड्रोजन डी मॉलिक्यूल्स इन विच हाइड्रोजन एटम अटैच्ड विद एफ ओ एन एटम्स दीस मॉलिक्यूल कंटेन हाइड्रोजन बॉन्ड, इनके अंदर कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी कि देखो हाइड्रोजन बॉन्ड कब प्रेजेंट होगा, ऐसे मॉलिक्यूल जिन मॉलिक्यूल्स के अंदर हाइड्रोजन एटम अटैच हो, किस पर, एफ फ्लोरीन ओ ऑक्सीजन एन नाइट्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन एटम अगर फोन पर बात करता है, किस पे बात करता है, फोन पर बात करता है, सुन लो मेरी बात को, हाइड्रोजन एटम अगर फोन पर बात करता है तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, तो मेरी बात ध्यान में रखना, ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ प्रेजेंट है तो वहां पर क्या बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, ध्यान से सुनो मेरी बात को, एग्जांपल कैसे दे रहा हूं देखो, जैसे HF क्या है, ये हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, अब HF के जो मॉलिक्यूल हैं उनके बिटवीन हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ये HF मॉलिक्यूल, ये HF मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल, और ये हाइड्रोजन अपनी साइड से फ्लोरीन से फिर से बॉन्डिंग कर रही है, इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रही है फ्लोरीन से, ये तो कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पर फ्लोरीन फिर बॉन्डिंग करी किससे, हाइड्रोजन से, क्योंकि यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल के अंदर फ्लोरीन प्रेजेंट है ना, एफ प्रेजेंट है ना, इसलिए इस मॉलिक्यूल के बिटवीन ये जो बॉन्ड बना है ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब देखो दूसरा एग्जांपल लें, वाटर मॉलिक्यूल H2O, ये भी ये तो कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन H2O मॉलिक्यूल्स के बिटवीन जो बॉन्डिंग होगी वो कौन सी होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ इस मॉलिक्यूल में कौन सा एटम प्रेजेंट है, ऑक्सीजन, यही तो मैं बोल रहा था, हाइड्रोजन अगर फोन पर बात करता है तो कौन सा बॉन्ड बनाएगा, और हाइड्रोजन बॉन्ड, अब यहां पर फोन में से कौन सा एटम है, ऑक्सीजन ओ, तो ऑक्सीजन और एच यानी इन दोनों के बिटवीन ये जो बॉन्ड बन गया ये कौन सा बन गया, हाइड्रोजन बॉन्ड, क्लियर है, समझ में आ रहा है ना, ठीक है ना। अब देखो अगर ये वाटर मॉलिक्यूल और ये स्टूडेंट्स अमोनिया गैस,
इन दोनों के बिटवीन ये जो बॉन्डिंग हुई है ये भी कैसी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ ये जो मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है, इस मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है, तो ये वाला जो बॉन्ड बनेगा ये भी कौन सा है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये थे बच्चों आपको बॉन्ड्स, केमिकल डिफरेंट टाइप के केमिकल बॉन्ड्स जो मैंने आपको बताए, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको एक्सप्लेन किए हैं। ये जो केमिकल बॉन्ड है ये बहुत ज़्यादा, यानी कि बहुत ज़्यादा क्या है, काम आएंगे ही आएंगे। तो इसलिए इस वीडियो को आप बड़े ढंग से चेक करेंगे, प्रत्येक बॉन्ड के नाम आपके क्लियर होने चाहिए, बॉन्डिंग किस किस के बिटवीन होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको मैंने एक्सप्लेन की हैं। तो आई होप दैट यू विल बी इंटरेस्टेड दिस वीडियो, आपको ये वीडियो पसंद भी आएगा, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो स्टूडेंट्स लाइक करो, कमेंट्स करो, शेयर करो। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में बेसिक केमिस्ट्री का एक नेक्स्ट चैप्टर टॉपिक लेकर फिर से आपके सामने आएंगे। ओके, गुड बाय।